हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजु फैसला चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 का जो आप लोग का जो जर्नल टेस्ट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आएगा। इसमें हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे सारे लेक्चर देखे होंगे। मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 आज सॉल्व करा के दूंगा। उसके बाद जितने भी इलस्ट्रेशन है आप लोग सिर्फ एक बार, आप लोग बुक में प्रैक्टिस मत करना, आप लोग सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक में ही उसको समझ लेना कि डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ। उसके बाद सीधा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करना। यकीन मानो इतना इजी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कि आप खुद कर ले जाओगे, बोलोगे यार अकाउंट में तो कुछ रखा ही नहीं है। ओके, मैं आपको खाली आज इलस्ट्रेशन सॉल्व करा के दूंगा बस। बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप खुद घर पे प्रैक्टिस करो, आपको ज़रूर आएगा। क्योंकि अकाउंट और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ये दोनों, कि आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा, और जितना कम प्रैक्टिस उतना कम मार्क्स। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अभी दोस्तों आप लोग को यहाँ पे जितना क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, इतना क्वेश्चन मैंने अपने नोटबुक के ऊपर लिख के, मैंने एज इट इज जो इधर लिखा है वही इस पर लिख के लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार पेज पलटना ना पड़े, इसलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोग को कल फॉर्मेट था बताया, हमारा फॉर्मेट क्या है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। फॉर्मेट कल का आप लोग को मालूम है हमारा भी। आप लोग भाई LF की जगह खाली क्यों, LF का मतलब है भाई, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 लेजर में डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लेजर फोलियो, हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी उतना टेंशन लो मत, आइए हम लोग सीधा इसको शुरू करते हैं इसके एंट्री के हिसाब से। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या पूछा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से लिखे रहेंगे और आपको खुद आंसर टिक मार्क करना, आपको खुद उसका फॉर्मेट बना के आंसर देना पड़ेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो, 2017 July 1st आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे उम्मीद है। देखो 2017 July 1st पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 lakh rupees, इसने कोई भी एक व्यक्ति है वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है 1 lakh rupees में। स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ 50,000 rupees, उसके पास गुड्स का स्टॉक है 50,000 rupees का, एंड कंप्यूटर 50,000 rupees, और उसके पास जो कंप्यूटर है 50,000 rupees। तो अब आपको बताना है इसमें डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट क्या होगा। ओके, तो आइए हम लोग इसको हम लोग इसके सोल्यूशन में देखते हैं और समझते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 1 lakh rupees, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है विद कैश 1 lakh rupees बिजनेस में लिखा रहा है, स्टॉक ऑफ गुड 50,000, कंप्यूटर अकाउंट 50,000, इतने सारे कंपनी में अपने डेबिट कर रहा है। लेकिन भाई हमारा ये हम लोग अकाउंट किस में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, तो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा 2 capital account 2 lakh rupees। कैसे, अगर आपके तीनों को प्लस करोगे तो यहाँ पे आपको 2 lakh rupees मिलेगा। क्योंकि आप लोग को चैप्टर में 2 में आप लोग को था बताया कि हमारा जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। ओके, तो हम लोग इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश गुड्स एंड कंप्यूटर। ओके, आपको पहला ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। भाई हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव आउट करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। आइए फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का ट्रांजैक्शन आपसे क्या पूछा, यहाँ पे आप डेट जैसे देख सकते हो, चार तारीख दिया, तो जैसे क्या दिया है, परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। एक करीना नाम की लड़की है, वो कोई गुड्स परचेस कर रही है, कितने का, 10,000 रुपये का 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। अभी 10,000 का 5% कितना होता है, हमारा 10,000 का 5% होता है 500 रुपया। तो अभी आप 10,000 रुपये में से 500 का माइनस करो। अभी आप बोलोगे कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको यहाँ पे करके प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। हम लोग 10,000 का 5% निकालते, देखो 0,0 कट गया, 100 से 2 हम लोग 5 कर देंगे, 0,5 जा 0, 0,5 जा 0, 5 1 जा 5, तो हमें कितना मिला 10,000। तभी हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना था, 10,000 माइनस हम लोग कर देंगे 500, हमें कितना मिला यहाँ पे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 1, हमारे 1 आएगा ही नहीं, हम लोग 9,500 रुपीज़ हमें मिला। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं आपको गोल्डन रूल में भी था बताया, परचेस अकाउंट डेबिट में आएगा 9,500 रुपये और 2 करीरा अकाउंट 9,500 रुपये। इसका हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग परचेस, देखो बिंग आपको हर बार देखने को मिलेगा, परचेस गुड्स फ्रॉम करीना, अभी एक एक, एक करीना थी जो गुड्स परचेस की, लेकिन किस पे की, क्रेडिट पे की, मतलब उसने उधारी पे की एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, को उसको 5% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया गया। इतना आपको समझ में आया होगा। भाई हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव आउट करते हैं। फिर आपसे क्या है, यहाँ पर पैसे भैया बोला है, सोल्ड गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट।
अभी किसी ने करीना को गोल्ड सोल्ड किया, मतलब उसको बेचा कितने में, 20,000 रुपये में बेचा और 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 का आपका 10% होता है 2,000 रुपये। अभी आप बोलोगे कैसे, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूँ, तो देखो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। 10 × 100 ओके, 0,0 कैंसिल। अभी इसको आप 20 को 10 से मल्टीप्लाई, 0 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, 0 × 0 = 2 = 0, 0 × 0 = 2 = 2, तो हमें कितना मिल गया, 2,000 रुपीज़ यहाँ पे मिल गया। तो अभी आप यहाँ पे 20,000 रुपीज़ में से 2,000 को क्या क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको मिल गया 18,000 रुपये टोटल। तो हमारा 18,000 डेबिट होगा, 18,000 क्रेडिट होगा ओके। लेकिन हमारा डेबिट अकाउंट क्या जाएगा, हमारा डेबिट अकाउंट जाएगा करीना, क्योंकि वो खरीद रही है और सोल्ड रूट से बेच रहा है, तो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको प्रियंका लिखा है लेकिन यहाँ पे करीना आएगा, नहीं तो आप प्रियंका भी लिखेंगे चलेगा ओके। प्रियंका अकाउंट डेबिट 80,000, टू सेल्स अकाउंट 80,000 रुपीज़, और निर्देशन लिखना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर देखते हैं आपको थर्ड थर्टीन क्या दिया, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000 रुपीज़। आपके किस आप प्रदेश में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट है, आप उसमें 50,000 रुपये जमा कर रहे हो कैश डिपॉजिट के, जो आपके पास से पैसा क्या जा रहा है, आपके पास से डेबिट में जाएगा कि कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास से कैश जा रहा है, कैश अकाउंट जाएगा डेबिट में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगा क्रेडिट अकाउंट में, तो वो इसमें दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट अकाउंट। अभी आप बोलोगे क्यों, तुमने तो कुछ और बोला भाई, डेबिट में जाएगा कैसे, तुम्हारे पास से कैश जा रहा है ना, तो जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, जाने को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट, तो हमारा टू कैश अकाउंट आ गया, इसमें क्रेडिट में डेबिट में जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50,000 50,000, तो हमारा इसका रेशन क्या हो जाएगा, कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 15 डेट्स में हमें क्या दिया, गुड्स देखिए यहाँ पर लिखा है तारीख भी, गुड्स हुर्स 2,000 लॉस्ट बाय गिफ्ट। देखिए गिफ्ट मतलब क्या होता है, चोर। आप लोग इंग्लिश में क्लास 10 में एक गिफ्ट नाम का चैप्टर भी पढ़ के आ रहे हो, आप लोग को शायद याद हो तो अच्छी बात ओके, वरना उसका कुछ इधर रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर याद होगा तो अच्छी बात है। या फिर गुड्स हुड, आपका 2,000 रुपये का गुड्स क्या हो गया, गिफ्ट ने मतलब किसी ने चोरी कर लिया, तो आपके लिए तो क्या हुआ, ये आपके लिए लॉस हुआ, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हमारा गुड्स चला गया तो गुड्स हमारा किस में आ जाएगा, आइए हम उसको देख लेते हैं। देखो आपके पास से गुड्स चोरी हुआ, आपका स्टॉक्स भी कम हुआ, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे लॉस बाय थिफ्ट अकाउंट। थिफ्ट अकाउंट मतलब कहेंगे भाई हमारा चोरी हो गया, कितने का, 2,000 रुपये का। और क्रेडिट अकाउंट में क्या आएगा, टू गुड्स लॉस्ट अकाउंट और परचेस अकाउंट, आपका गुड्स भी लॉस्ट हुआ परचेस भी हुआ, क्योंकि आप गुड्स रखे जाए तो परचेस करने के लिए, मतलब आप सेल करने के लिए ना, मतलब सेल मतलब कोई तो परचेस करेगा, यहाँ पे 2,000 रुपीज़। अभी इसका निर्देशन क्या हुआ, गुड्स लॉस्ट बाय थिफ्ट, इसका बहुत शॉर्ट एंड सिंपल, आप कोशिश करो कि एक से एक लाइन में आप लोग अपना नरेशन कंप्लीट कर दो ओके, इतना समझ में आया होगा। फिर देखते हैं आप लोग, पेड फॉर रेंट 4,000 रुपीज़, हमें यहाँ कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोला कि पेड फॉर रेंट, भाई भाई हम लोग ऑब्वियसली इसको कैश पेमेंट किए होंगे, तो हमारा डेबिट में आ जाएगा रेंट अकाउंट, क्रेडिट में आ गया टू कैश अकाउंट, कितना 4,000 4,000, इसका रिटर्न हो जाएगा पेड फॉर रेंट, ख़त्म। हम लोग फिर आप सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, हमें क्या दिया, रिसीव्ड कैश ऑफ 7,500 रुपीज़ फ्रॉम प्रियंका इन फुल सेटलमेंट, क्या है दोस्तों, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हेयर अकाउंट, आपको जो अकाउंट उसका फुल सेटलमेंट इसने कर दिया 17,500 रुपये में प्रियंका ने। अभी आप बोलो कैसे, तो हमारा कैश अकाउंट आ जाएगा डेबिट में, क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं है, 17,500 रुपये डिस्काउंट अलाउड, डेबिट बोलोगे ये आप कहाँ, ये कहाँ से आप लेके आ गए डिस्काउंट अलाउड, तो यहाँ पे देखो आप 10 तारीख में देखो, यहाँ पे इसने 18,000 रुपये का इसने डेबिट की थी, 18,000 रुपये का इसने अपने उधारी पे ख़रीदा था, और अभी ये देख कितना रही है 17,500, तो इसको 500 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, और पैसा दिया किसने, प्रियंका दिया था, टू प्रियंका अकाउंट, इसको प्लस करोगे तो हो जाएगा हमारा 18,000 ओके। फिर 25 तारीख में हमें क्या दिया, पेड फॉर स्टेशनरी परचेज 8,000 रुपीज़, आप हमारा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में टू कैश अकाउंट 8,000 8,000। अभी आपको इस साइड के नंबर को अगर आपको इसको फिर से चेक करना है कि भाई मेरा सम सही हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप लोग इसको प्लस करो और इसको प्लस करो, अगर दोनों का टोटल इक्वल आ गया तो समझ लो सही है, कितना इसका 3,09,500, इसका 3,09,500, इसका भी 3,09,500, मतलब हमारा इलेक्ट्रेशन नंबर 2 जो है हमने सही से इसको वेरीफाई कर ले गए दोस्तों ओके। अभी आइए सर देखते हैं, हाँ सॉरी यहाँ पे प्रियंका ही लिखा था, मैं उधर गलती से किरण बोल दिया कि इसको आप प्रियंका ही कंसाइडर करना, आपका इलेक्ट्रेशन नंबर 2 होता है सॉल्व, इसी के बेस्ट आपके जितने भी इलेक्ट्रेशन है वो सब कुछ दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व कर लेना अपने टेक्स्ट बुक में, सिर्फ उसको एक बार अज्यूम करके मान भी लोगे तो चलेगा ओके, बाकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खुद करो ओके। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
जय हिंद।